शरीर से शरीर चिपका हुआ जैसे सारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती नीलिमा कटियार जी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हमारे बीच में आ चुकी हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, सहायक आचार्य शिक्षा विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राज्य श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं सभी को आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारी संस्कृति एवं परंपरा यही है कि कार्यक्रम की सफलता के लिए हम माँ सरस्वती की पूजन एवं अर्चन करते हैं। मैं इसी भारतीय परंपरा के अनुसार देव प्रज्वलन हेतु माँ सरस्वती तथा अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्पार्जन करने हेतु हम आमंत्रित करते हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती नीलिमा कटियार जी का। पहले दीपक। हे शारदे माँ, आपका वंदन करते हैं। हे शारदे माँ, आपका वंदन करते हैं। श्री पुष्पों की माला चरणों में आपको अर्पण करते हैं। इस वंदना से, आपके अभिनंदन से उत्सव का आगाज करते हैं। माँ सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा किया गया है अटल और सुशासन, अर्थात जो शासन सुंदर और अटल हो, जिसमें कोई असत परिवर्तन ना हो, ऐसी परिकल्पना के साथ इस पीठ ने लोकतांत्रिक मूल्य और भारतीय राजनीति, अटल बिहारी वाजपेयी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, लोक व्यवस्था और अटल दर्शन, पत्रकारिता में नैतिकता मुद्दे और चुनौतियाँ, मिशन शक्ति, उच्च शिक्षा संस्थाओं की भूमिका और चुनौतियां, आज विषयों को चर्चा का बिंदु बनाया। आज हम मिशन शक्ति के विषय को लेकर इस सभागार में उपस्थित हैं। इतने बृहद आयामों को भारत ही नहीं वरन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चिंतन करने हेतु इन 5 दिवसों में हमने जिन विभिन्न विचार गंगा में अवगाहन किया है, वह निश्चय ही विचारणीय है। और आज यह अपेक्षा भी है कि 5 दिवसीय मंथन के पश्चात जो अमृत रूपी विचार हमारे सम्मुख आए हैं और आज भी जो विचार आएंगे, वे इस पीठ को ही नहीं वरन इन समस्त वैचारिक पृष्ठभूमि को भी अवश्य शक्ति प्रदान करेंगे। अतिथियों के स्वागत की हमारी संस्कृति एवं परंपरा रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर प्रोफेसर रुचि वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप आए और मुख्य अतिथि जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। सॉरी, शायद मैडम नहीं है, मैं मीरा पाल जी से आग्रह करता हूं कि मुख्य अतिथि महोदय को, महोदय को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर साधना श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूं कि वो माननीय कुलपति जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। पुनः इसी कड़ी में मैं डॉक्टर नीता मिश्रा जी से आग्रह करता हूं कि निदेशक अटल सुशासन पीठ प्रोफेसर प्रदीप कुमार पांडे जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में यह हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। हमारे विशेषज्ञ की सदिच्छा के अनुरूप उनके ही निर्देशन में इस साप्ताहिक कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा को इस रूप में परिणित किया है प्रोफेसर पीके पांडे सर ने, जो अटल सुशासन पीठ के निदेशक भी हैं। मैं प्रोफेसर पीके पांडे सर से निवेदन करता हूं कि सर, अतिथियों के औपचारिक स्वागत विषय परिवर्तन के लिए आप आए, सर आपका स्वागत है।
सर्वकालेषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः उत्तर प्रदेश राजस्थान मुक्त विश्वविद्यालय की अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पीठ की ओर से और संपूर्ण विश्वविद्यालय की ओर से मैं मंचा सिंह माननीय अतिथियों का इस सभागार में उपस्थित सभी भद्रजनों का अपनी बहनों का और वर्चुअली जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश राजस्थान मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह जी का जो आज के इस पड़ाव की अध्यक्षता कर रहे हैं। वास्तव में आज का व्याख्यान यह अंतिम नहीं है, एक पड़ाव है जो निरंतर आगे भी जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में आपकी प्रेरणा के लिए, आपकी सद्भावना के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस अवसर पर आपका स्वागत करता हूं। माननीय कुलपति जी के ही मार्गदर्शन में विषयों का चुनाव चर्चा उपरांत हुआ। माननीय कुलपति जी, देश के जितने भी राष्ट्रीय सरोकार हैं वो सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो बहुत संवेदनशील है और इसी के उद्देश्य से उन्होंने कहा कि इस विषय का चुनाव किया जाना निश्चित रूप से बहुत उपयुक्त है और इसीलिए इस विषय का चुनाव और आदरणीय मैडम का जो व्याख्यान का विषय किया गया ये उनकी सोच का परिणाम है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की यह जो अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन प्रारंभ किया गया है उसके तहत विश्वविद्यालयों की भूमिका भी तय होनी चाहिए, क्योंकि यह किसी सरकार का प्रयास नहीं है। अगर इस प्रयास को हम समाज तक ले गए और समाज भी उसमें जुड़ गया तभी यह सफल होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। स्वागत के क्रम में शक्ति स्वरूपा उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती नीलमा कटकार जी का भी मैं विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैडम का ओजस्वी वक्तव्य हम लोग विगत कन्वोकेशन में सुन चुके हैं और आज भी हमें आपका आधेय प्राप्त होगा। मैडम, आपका विश्वविद्यालय की ओर से बार बार स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज के इस व्याख्यान के अवसर पर हमारे विश्वविद्यालय के माननीय निदेशकगण उपस्थित हैं, प्रोफेसरगण उपस्थित हैं, मेरे सभी सहयोगी उपस्थित हैं, हमारे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे पुस्तकालय के प्रभारी भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से स्वागत करता हूं जो प्रतिभागी के रूप में विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से यहाँ प्रतिभागीगण उपस्थित हैं। विशेष करके बड़े उत्साह और हलोत्साह के साथ मैं स्वागत करता हूँ अपनी उन बच्चियों का जो सिर्फ इस कार्यक्रम की सूचना पाकर इस उत्साह में आप उपस्थित हुई हैं। निश्चित रूप से यही वो हमारी कड़ी है जो हमारे इस कार्यक्रम की सफलता को आगे ले जाएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और विश्वविद्यालय इसके लिए आपका बहुत स्वागत करता है। मैं स्वागत करता हूँ इस वर्चुअल मोड से जुड़े हुए अपने सभी प्रतिभागियों का जो निरंतर इस कार्यक्रम में इस समय अंतराल पर जुड़ करके न केवल लाभान्वित हो रहे हैं बल्कि विभिन्न रूपों में हमें पृष्ठ पोषण भी प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी प्रतिभागियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो विषय है मिशन शक्ति उच्च शिक्षा संस्थाओं की भूमिका और चुनौतियां, यह विषय अपने आप में सुस्पष्ट। मिशन शक्ति से तात्पर्य यहाँ पर उससे नहीं है जो 2019 में मिशन शक्ति के रूप में इंसेप्टर लॉन्च के समय हुआ था। यह मिशन शक्ति है वास्तव में शक्ति को जागृत करने का एक मिशन जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। हम सभी जानते हैं और मानते हैं कि भारतीय संस्कृति कभी भी महिला और पुरुष के भेद से रची बसी नहीं गई,
कालांतर में यह छिन्न भिन्न हुई व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति निम्नतर हुई और निम्नतर इतनी हुई कि महिलाओं का आत्मविश्वास हो गया। बहुत से कानून बनाए गए, बहुत से देश के बड़े बड़े लोगों ने आवाजें उठाई और निश्चित रूप से सरकारों ने काफी प्रयास किए। कानूनों की कमी नहीं है, व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, कमी है हमारी सोच की। इस सोच को बदलने में शिक्षा ही भूमिका अदा कर सकती है। जब तक सोच नहीं बदलेगी केवल कानून से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में देश की व्यवस्थाएं समाज के द्वारा निर्धारित होती हैं और कानूनों का पालन भी समाज ही करता है, उनका सुनिश्चयन भी समाज ही करता है। केवल कानून या डंडे के बल पर फिर वो लोकतंत्र नहीं है। सरकारें व्यवस्थाएं दे सकती हैं, सरकारें क्रियान्वयन में सहयोग कर सकती हैं, लेकिन अगर हमने अपनी सोच बदली और उस बदली हुई सोच के साथ सरकार की व्यवस्थाओं में कंधे से कंधा मिला करके चलने का प्रयास किया तो सफलताएं निश्चित मिलेंगी। और निश्चित रूप से इस विषय में विश्वविद्यालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आदरणीय मैडम को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय कुलपति जी की संवेदनशीलता मिशन शक्ति के आह्वान के समय से ही नहीं, उसके पूर्व से इस विश्वविद्यालय में जारी, और इसीलिए विश्वविद्यालय में महिलाओं के उत्पीड़न निषेध से संबंधित प्रकोष्ठों को सक्रिय करना, सक्रिय करने में जिनको ये भूमिका दी गई डॉक्टर मीरा पाल जी बैठी हुई है, जिन्होंने प्रयास करते हुए विश्वविद्यालय के 1200 से अधिक अध्ययन केंद्रों में अध्ययनरत बालिकाओं से ये निवेदन किया है पृष्ठ पोषण का, वो दे करके कि वो बताएं कि उनके अध्ययन अध्यापन में कौन सी समस्या है, विश्वविद्यालय स्तर पर उसका समाधान किया जाएगा। इतना ही नहीं, माननीय कुलपति जी के प्रयास से मैडम विश्वविद्यालय ने जिन 5 गाँवों को अंगीकार किया है, उन गाँव की जितनी भी लड़कियां हैं अगर वो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेती हैं तो उनको निःशुल्क शिक्षा विश्वविद्यालय देगा। और अभी हाल में ही 7 दिसंबर को माननीय कुलपति जी के निर्देश पर ही शिक्षा विद्या शाखा के तत्वाधान में भारी गांव में महिलाओं को जागरूक करने और विकलांगों को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से जिला विकलांग कल्याण अधिकारी की सहायता से और अपने बीएड विशिष्ट शिक्षा के विद्यार्थियों की सहायता से हम लोगों ने सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसमें हमें सफलता भी मिली। गांव की जितनी स्वयंसेवी महिलाओं का समूह था वो सभी कार्यक्रम में उपस्थित थी। हम लोगों ने गांव में जाकर के बालिकाओं को शिक्षा के लिए उत्प्रेरित किया, गांव के लोगों को उन रास्तों को बताया कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, विकलांगों के कल्याण की कौन कौन सी योजनाएं हैं, और त्वरित निस्तारित करते हुए वहाँ 2 विकलांग बच्चों को जिनको किसी को सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम थी, किसी को पेंशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि जिला विकलांग कल्याण अधिकारी थे उन्होंने त्वरित उसका निस्तारण भी किया। तो विश्वविद्यालय ऐसे सामाजिक सरोकारों में निरंतर प्रगतिशील है। हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता के उपरांत जो पहला शिक्षा आयोग बना था डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में, उच्च शिक्षा आयोग, उसमें उच्च शिक्षा के उद्देश्यों में पहला उद्देश्य रखा गया था देश में कुशल और चरित्रवान नागरिकों का निर्माण करना, और ये उद्देश्य अपने आप में सुस्पष्ट करता है कि विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका होनी चाहिए। चुनौतियां तो आती हैं और आती रहेंगी, चुनौतियों से कभी न पीछे हटा जा सकता है। और जहां तक इस मिशन शक्ति से संबंधित बात है, जिस सुशासन पीठ के अंतर्गत यह कार्यक्रम हो रहा है, जिनके नाम पर यह सुशासन पीठ है, मैं उनका एक वक्तव्य सुनाना चाहता हूँ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिन्होंने कहा था कि आधा आकाश महिलाओं का है, आधी धरती आकाश की धरती महिलाओं की है, आधी आबादी उनकी है, तो फिर राजनीति की एक तिहाई भूमि उनकी क्यों नहीं हो सकती। ये उन्होंने तब से प्रयास किया था जब उन्हें मौका मिला था। कितने संवेदनशील थे जेंडर इक्विटी के लिए। आज इस समस्या का समाधान यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे कर चुके हैं 3 तलाक जैसी कुरीति का, उसकी नींव अटल जी के दर्शन में थी और उन्होंने तत्समय ही मुस्लिम समाज से अपील की थी ये 3 तलाक की व्यवस्था के लिए आपको समय चाहिए तो समय ले लीजिए, पर यह बदलाव होना चाहिए, इसके लिए आप तैयार होंगे। लेकिन उनके सपनों को
वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया और देश उनके नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि आज के व्याख्यान से न केवल इस मिशन शक्ति को बल मिलेगा बल्कि हम लोगों को भी वह मार्गदर्शन मिलेगा कि हम आगे सफलतापूर्वक बढ़ सके और देश और समाज को आगे ले जा करके अपने विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की अगली कड़ी में यह अवसर है अतिथि परिचय का। मैं शिक्षा विद्या शाखा के सहायक आचार्य डॉक्टर दिनेश सिंह से आग्रह करता हूं कि वे आए और हमारे माननीय अतिथि जी का परिचय दें। धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र जी। उत्तर प्रदेश राज्य स्टैंडर्ड मुक्त विश्वविद्यालय की अटल सुशासन पीठ के तत्वाधान में आयोजित अटल जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय संगोष्ठी सह व्याख्यान माला के अंतिम पुष्प की मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में मंत्री माननीय श्रीमती नीलिमा कटियार जी, विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया परम श्रद्धेय माननीय कुलपति प्रोफेसर कामेश्वरनाथ सिंह जी, शिक्षा विद्या शाखा एवं अटल सुशासन पीठ के आदरणीय निदेशक प्रोफेसर पी के पांडे जी, इस सभागार में उपस्थित सम्मानित निदेशक, विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर ए के गुप्ता जी, वर्चुअली तथा प्रत्यक्षता प्रतिभाग कर रहे सम्मानित प्रतिभागीगण, अतिथिगण, देवियों एवं सज्जनों, जैसा कि संचालक महोदय का निर्देश हुआ कि मैं माननीय अतिथियों का परिचय करूं। वैसे तो ये दोनों महान हस्ती हमारे कुलपति और माननीय मंत्री महोदया किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपका परिचय कराना एक सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। आप अपने क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां हैं, न तो मुझ में सामर्थ्य है कि मैं आपका परिचय करा सकूं, फिर भी संचालक महोदय का निर्देश है, मैं औपचारिक परिचय आपका संक्षेप परिचय देना चाहता हूं। माननीय नीलिमा कटियार जी उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के कल्याणपुर में जन्म हुआ। आपने अपनी स्कूली शिक्षा कानपुर से ही प्राप्त की और उच्च शिक्षा कानपुर में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय CSJM विश्वविद्यालय कानपुर से स्नातक एवं परास्नातक की शिक्षा प्राप्त की। आप छात्र जीवन में ही अत्यंत मेधावी छात्रा रही और विभिन्न संगठनों से जुड़ी रही तथा सक्रिय रही। 1993 में जब कानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो आप विद्यार्थी परिषद से जुड़ी और लगातार सक्रिय रहते हुए प्रांतीय सह मंत्री के रूप में भी आपने दायित्वों का निर्वहन किया। आपकी सक्रियता, संगठन क्षमता, लोकप्रियता से उस क्षेत्र की जनता ही नहीं पूरे देश प्रदेश में आप की चर्चा रही और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक आपकी सक्रियता और संगठन क्षमता की चर्चा रही। नई दिल्ली में जब पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने वीरांगना सम्मेलन का आयोजन किया तो आपको भी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां प्रदान की गई और आपने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई। आप की निरंतरता, तत्परता, सक्रियता, सर्वसुलभता, सहजता और कर्मठता आम जनता के साथ साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं में भी चर्चित रही और आप कानपुर के महिला मोर्चा के विभिन्न पदों को सुशोभित किया तथा 2010 में आप प्रदेश के महिला मोर्चे की कार्यकारिणी की माननीय सदस्य रहीं।
कानपुर जिले की महामंत्री रही और महज 5 साल के अंतराल में आपको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की प्रदेश महामंत्री होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। प्रारंभ में आदरणीय श्रीमती नीलमा कटियार जी एक सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा समाज सेविका तथा संगठन के कार्यों का निर्वहन कर रही थी, परंतु 2017 के आम चुनाव में आपको कल्याणपुर की विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया और आपने अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता और आपकी लोकप्रियता के कारण आपको विजय ही नहीं प्राप्त हुई बल्कि विधानसभा जैसे चुनाव में आपको 86,000 से अधिक मतों से विजयी होने का गौरव प्राप्त है। आपके कार्यों के प्रति समर्पण शिष्टता का प्रतिफल ही है कि 2019 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल के प्रथम विस्तार में ही आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ साथ उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। आपके कुशल नेतृत्व में निर्देशन में मार्गदर्शन में ये मंत्रालय दोनों मंत्रालय नित नूतन नवाचार करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसे सहज सरल लोकप्रिय ओजस्वी वक्ता माननीय उच्च शिक्षा एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती नीलमा कटियार जी को हम अपने बीच पाकर अत्यंत गौरवान्वित हैं, आह्लादित हैं और आपका जो पाधेय प्राप्त होने हमको जा रहा है निश्चय ही उच्च शिक्षा जो मिशन शक्ति उच्च शिक्षा संस्थाओं की भूमिका और चुनौतियां विषय है इस पर जो आपका पाधेय प्राप्त होगा हमको और अधिक इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करेगा मार्गदर्शन करेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है वंदन है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति जी एक विश्वविख्यात भूगोलवेत्ता ख्यात लब्धि शिक्षक कुशल प्रशासक सहजता सरलता समता ममता और समरसता की प्रतिमूर्ति हैं। आप का जन्म बलिया के बर्रे बोझ गांव में हुआ और आपने अपनी उच्च शिक्षा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त करके वहीं पर भूगोल विषय के प्रवक्ता रीडर आचार्य के पद को सुशोभित कर किया और आपने वहां पर भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। साथ ही साथ वहां पर अटल वो मदर दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के संस्थापक निदेशक होने का भी आपको गौरव प्राप्त है। आपने अनेकों देशों के शैक्षिक भ्रमण किए। आप जर्मनी के प्रतिष्ठित रूर विश्वविद्यालय के फेलो भी रहे। आपने 100 से अधिक शोध पत्रों को लिखा। 14 से अधिक आपकी पुस्तकें प्रकाशित हैं जिनसे ज्ञान के पिपास जिज्ञास लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आपको अनेकों अवार्ड सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपको डेक्कन सोसाइटी द्वारा बेस्ट ज्योग्राफर का भी अवार्ड प्राप्त हुआ है। आप अनेक शैक्षिक संस्थाओं की शैक्षिक एवं गवर्निंग बॉडी के माननीय सदस्य हैं। आप नेशनल एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। एक बहुत ही प्रतिष्ठित एसोसिएशन है। आप एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ इंडियन ज्योग्राफर्स के सम्मानित अध्यक्ष हैं तथा पूर्व में ही लगभग 20 साल तक इस एसोसिएशन के महासचिव भी रहे हैं। वर्तमान समय में आप उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ साथ प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के कुलपति के दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में प्रेरणा से निर्देशन में कुशल प्रशासन में ये दोनों विश्वविद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है और इस सभागार में उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन।
दिनेश सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथियों का परिचय देने के लिए। मित्रों, आज 5 दिवसीय व्याख्यान माला के अंतिम विशेष व्याख्यान के लिए हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्रीमती नीलिमा कटियार जी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति है। कोई भी शासन सुशासन तब होता है जब उस समाज में महिलाओं को बराबर का अधिकार तथा भागीदारी में हिस्सा मिले। महिला के सशक्तिकरण के स्वावलंबन से केवल परिवार ही नहीं वरन समाज, राष्ट्र एवं विश्व सशक्त होता है, क्योंकि वह परंपराओं का पोषण करने वाली होती है। अटल सुशासन की परिभाषा महिलाओं के सशक्तिकरण सबलीकरण में निहित है। आज इसी सशक्त और सबल महिलाओं की प्रतिच्छवि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्रीमती नीलिमा कटियार जी को कि आप आए और महिलाओं के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। मैं आपका स्वागत है। राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के सभागार में और अटल सुशासन पीठ के 5 दिवसीय व्याख्यान माला के अंतिम दिन के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति डॉक्टर के एन सिंह जी, अटल सुशासन पीठ के आदरणीय डायरेक्टर डॉक्टर पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित इस विश्वविद्यालय के आदरणीय सभी निदेशकगण, सम्मानित जो फैकल्टी यहाँ की उपस्थित है, डीन्स यहाँ के उपस्थित हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी फिजिकली उपस्थित हैं, और जो आदरणीय उपस्थिति वर्चुअली है, आप सबको नमस्कार है। अटल सुशासन पीठ राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की 5 दिनों से अपनी इस पीठ की सार्थकता को श्रद्धेय अटल जी के जन्म उत्सव के साथ जोड़कर, और मैंने जो देखा है कि पिछले 4 दिन जिन विषयों पर यहाँ व्याख्यान हुए और जिनके मुखारविंद से हुए, लोकतांत्रिक मूल्य और भारतीय राजनीति, आत्मनिर्भर भारत, चुनौतियां और संभावनाएं, अटल बिहारी वाजपेयी व्यक्तित्व और कृतित्व, लोक व्यवस्था और अटल दर्शन, पत्रकारिता में नैतिकता, मुद्दे और चुनौतियां, एक प्रयास समग्रता में अटल जी के व्यक्तित्व का सार, उसका तत्व कैसे व्याख्यानों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की एकमात्र जो ये दूरस्थ विश्वविद्यालय है और इस दूरस्थ विश्वविद्यालय के माध्यम से एक बड़ी छात्र श्रृंखला इस विश्वविद्यालय से जुड़ रही है, वो सारा सार तत्व कैसे अटल जी का इस पीठ के माध्यम से उन तक पहुंचेगा, ये प्रयास हुआ है आज अंतिम दिन इस व्याख्यान माला के। मिशन शक्ति उच्च शिक्षा संस्थाओं की भूमिका और चुनौतियां इसके साथ हो रहा है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पांडे का और उन्होंने जो विषयों का चयन किया है इसके लिए मैं बहुत बहुत उनकी सराहना करना चाह रही हूँ। एक मैंने सारे व्याख्यान माला सुने नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रयास है कि कैसे पूरे उस व्यक्तित्व का लाभ वर्तमान पीढ़ी उठा सके, इसका प्रयास जो पीठ के गठन का और जिस सोच को लेकर विश्वविद्यालयों के अंदर अटल सुशासन पीठ की कल्पना करी गई, उस ओर ये
प्रयास उनका है, सार्थक प्रयास है। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, मिशन शक्ति। शक्ति का अर्थ ही, मैं जहां बोल रही हूं इस संस्कृति में जब सामर्थ्य की बात होती है तो वहां पर मातृत्व से ही पाया जा सकता है, ये एक नियम और एक व्यवस्था के अंतर्गत बात आती है कि शक्ति और सामर्थ्य तो मातृत्व से ही पाया जा सकता है, ये आदेशित है हमारी संस्कृति में, ये निर्देशित भी है और हमारा समाज जानता भी है। और मानने का प्रतिशत कम है लेकिन कुछ कुछ मानता भी है। लेकिन पहली बार हम सब इस अनुभूति के साथ जुड़ रहे हैं, उसका माध्यम हालांकि व्यवस्थाओं की ओर से आया है कि शक्ति पर विश्वास भी किया जा सकता है। तो सत्ता ने, सरकार ने, व्यवस्था ने जो सामर्थ्य का स्रोत था, ऊर्जा का स्रोत था, शक्ति का स्रोत था, जो हमारा मातृत्व था, उसको जानने और मानने के बाद उस पर विश्वास करते हुए जिस प्रकार से एक अभियान सा लेकर, एक आंदोलन सा लेकर, एक मिशन मोड के अंदर कैसे तेजी से भारत की व्यवस्था परिवर्तन हम कर सकते हैं और भारत की व्यवस्था परिवर्तन के क्रम में जो आधार होगा निश्चित रूप से वो भारत की सामर्थ्य ही होगी, भारत की शक्ति ही होगी। और अगर भारत की व्यवस्था परिवर्तन की दिशा भारत की शक्ति के आधार से ही, उसी ऊर्जा पुंज से ही निर्देशित होगी तो सबसे पहले उसकी परिस्थिति में बदलाव बहुत आवश्यक है। ये मूल सोच है और मूल मानसिकता में परिवर्तन किए बिना हम भवन तैयार कर लें तो वो भवन बहुत लंबे समय तक हमें आसरा देने वाला नहीं बन सकता। और इसलिए सबसे पहले जो बात आई तो इस मातृ शक्ति की, भारत की महिलाओं की, भारत की बेटियों की, भारत की अजन्मी बेटियों की, इनके पोषण की बात, इनके स्वास्थ्य की बात, इनके शरीर की बात और वैश्विक स्तर पे उस दृष्टिकोण से भारत की परिस्थिति की बात। हमें बहुत सर झुकाना पड़ता था विश्व पटल पर इस परिस्थिति कि जहां की संस्कृति, जहां की सभ्यता जिस केंद्र से अपनी ऊर्जा पाती हो, शक्ति पाती हो, उसका अपना शरीर कुपोषित है, वो रक्त अल्पता से ग्रसित है, तो कैसे ये ठीक होगा? और ये ठीक होने की प्रक्रिया सतही न होकर आमूलचूल परिवर्तन से कैसे जुड़ेगी? तो इसको लेकर तमाम योजनाएं, तमाम कार्यक्रम और अपने पूरे सिस्टम को इस ओर केंद्रित करना, व्यवस्था की ओर से ये संकेत आया, निर्देश आया, धरातल पर उतरा, पूरे देश की सीएचसीज, पीएचसीज के लिए, सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए एक 9 तारीख तय कर दी गई हर महीने की कि वो मातृत्व सुरक्षा का दिवस होगा, जननी सुरक्षा का दिवस होगा। एक जागरूकता अभियान पूरे देश के अंदर कि उस दिन हमारी मातृ शक्ति, धात्री महिला, गर्भवती महिला केंद्रों पर जाएगी, अपनी जांच कराएगी, वर्तमान के साथ साथ हमारा भविष्य कैसे
पोषण से सुरक्षित होगा, 70% बीमारियों से मुक्त, जो शुरू के गर्भाधान से लेके 5 वर्ष की परिस्थिति में भी हम सुनिश्चित कर देते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी 70% बीमारियों से कैसे सुरक्षित हो सकती है और उनकी सुरक्षा को लेकर क्या क्या कदम उठाने चाहिए और इस दिशा में लेकर हमारे पूरे स्वास्थ्य सिस्टम को अलर्ट करना, अपग्रेड करना, संसाधन के साथ तैयार करना और इससे इस सेवा से जुड़े हुए लोगों की मानसिकता को तैयार करना और ये करके पूरे देश की हर महीने की 9 तारीख ये हो गई। ये तो व्यवस्था ने दिया लेकिन समाज की ओर से जो आना है कि वो महिला उस केंद्र तक पहुंचे और इसको लेकर जो जागरूकता है ये सवाल है। व्यवस्था ने दे दिया कि जो अभी तक नहीं हुआ और दुनिया के बहुत से देशों में अभी भी नहीं है कि देश की सीमा सुरक्षा बल में और वहां की तैनाती की दृष्टि से हम अपने देश की महिलाओं पर विश्वास करते हैं। ये निर्णय आ गया कि सीमा सुरक्षा बल में भी महिलाएं आएंगी। सीआरपीएफ की 2 बटालियन वो केवल महिलाओं की, ये निर्णय हो गया। पूरे देश की राज्यों की पुलिसिंग में 33% महिलाओं के लिए स्थान तय रहेगा, ये निर्णय हो गया। मुद्रा योजना आई, मुद्रा योजना जो बहुत आवश्यक और वर्तमान व्यवस्था की जो वरीयता है कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो और वो लघु उद्योग कुटीर उद्योगों को वरीयता में लेकर हो, उस क्षेत्र को संबल देने वाली मुद्रा योजना, लोन देने वाली योजना और उस मुद्रा योजना के अंदर ऐसे प्रावधान कि महिलाएं अगर आवेदन करें, महिलाएं अगर आगे आए तो उन्हें वरीयता और उन्हें सुगमता। तो मुद्रा योजना के जो लाभार्थी उसमें 70% महिलाएं हैं देश के अंदर। मनरेगा जो एक प्रकृति का वर्ग है उस प्रकार की महिलाएं हैं और दुर्गम प्रकार के कामों में लगी हुई महिलाएं हैं और उस प्रकार की महिलाओं में मनरेगा से जुड़कर अपना योगदान देश के विकास में देने के लिए तो उसमें 50% महिलाएं। स्किल डेवलपमेंट उसको जब एनरिच किया गया और स्किल के आधार पर सेवाएं कैसे स्किल्ड हो सकती हैं, हम तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, तो कौशल विकास की योजनाओं से लाभ पाने वाली सूची में भी 70% महिलाएं और तो और मैं विश्वविद्यालय में खड़ी हूं, आप सबके ध्यान में आता होगा कि विश्वविद्यालयों के जो दीक्षांत समारोह होते हैं पिछले 5-6 वर्षों के अंदर एक सतही तौर पर अगर हम अपने ध्यान को ले जाएं तो सारे के सारे दीक्षांतों में जो संबोधन होते हैं उसमें ये 3 लाइन कॉमन है कि बेटियों ने सारे पदक ज्यादा लिए।
ये जो सामंजस्य बन करके निकल करके आना है कि परिसर में पदक पाना, परिणामों में श्रेष्ठता पाना, लगातार नामांकन दर बढ़ते जाना हर स्तर पर छात्राओं का, और व्यवस्थाओं में इस प्रकार से वरीयता पाना, ये जो सामंजस्य चल रहा है कि अगर इतना महत्वाकांक्षी मंगल मिशन आता है और उसमें 27% उस मंगल मिशन में काम करने वाले लोगों में वैज्ञानिक श्रेणी में उसमें 27% महिला वैज्ञानिक हैं और कोर ग्रुप में लीड करने वाली टीम में भी महिला वैज्ञानिक हैं। और यही वास्तव में वास्तविकता है। ये जो चित्र खींच रहा है, हम अभी तक गलत कहां थे जो इस मिशन की आवश्यकता पड़ी है। हमने क्षेत्रों में समेट दिया, हमने मातृशक्ति के इलाके घोषित कर दिए कि इन पर विश्वास केवल और केवल इन क्षेत्रों में इस प्रकार से ही किया जा सकता है। आज जब हम सफलता के आंकड़े देख रहे हैं और जब अवसर समाज और व्यवस्था ने मातृशक्ति को दिया है और जो परफॉर्मेंस मातृशक्ति ने अलग अलग क्षेत्रों में किया है, अभी 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नलकूप चालकों की भर्ती प्रक्रिया का वो पूरा परिणाम आया था और बिग पोस्टिंग हम लोगों ने उनको पत्र दिए थे। आप कल्पना करिए कि आईटीआई और विशेष प्रशिक्षण के बाद वो निकल करके उस मानक अर्हता को पार करके आए हुए लोग थे और उसमें टॉप किया था कल्पना ने कानपुर की। मैंने मेडिकल तो महिला, इंजीनियरिंग तो महिला नहीं, यही तो क्लासेस की कंडीशंस रहती थी। उन वर्जनाओं को आज तोड़ा जा रहा है, उन सीमाओं को आज तोड़ा जा रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में बराबर की सहभागिता के साथ वो आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत बड़ा व्यवस्था का परिवर्तन बाकी है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद बात कर रहे हैं। देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिल गई है और उस पॉलिसी ने बताया है कि आज व्यवहारिक शिक्षा का महत्व और प्रैक्टिकली व्यवहारिक शिक्षा हम कैसे अपने परिसरों में ला सकते हैं, इसका पूरा रोड मैप हमारे सामने है। और कैसे समाज और परिसर इन दोनों में संबंध जितना जीवंत रहेगा, आने वाला भारत उतना नवोन्मेषी और उतना अपग्रेड होगा। और इस क्रम में और इन परिस्थितियों में न सिर्फ भारत की बल्कि आज भारत जिस प्रकार से, चाहे सामान्य समय हो चाहे सदी की सबसे बड़ी आपदा का समय हो, भारत की मनीषा ने, भारत की क्षमता ने जो प्रदर्शन विश्व के सामने किया है उसमें भारत से अपेक्षा बहुत बड़ी है। और अब भारत के सामने चुनौती उन अपेक्षाओं पर खरे उतरने की भी है और इस चुनौती से पार पाने की जो जगह है और इस चुनौती के जो फ्रंट लाइनर्स हैं
विश्वविद्यालय परिसरों के सम्मानित आचार्य गण हैं। इन्हीं परिसरों से भारत पूरी दुनिया के सामने न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, सशक्त भारत, बल्कि विश्व कल्याण को प्रस्तुत भारत के रूप में आ सकता है। व्यवस्थाएं प्रस्तुत हैं, अपेक्षाएं चरम पर हैं और व्यवस्थाएं जितनी आवश्यकता थी और परिस्थितियों ने जितनी संवेदनशीलता की एक पराकाष्ठा पार करके आवश्यकताओं की स्थिति बना दी थी, उतनी संवेदनशीलता के साथ व्यवस्थाएं सामने हैं, चाहे मात्र तो अवकाश हम ले लें, क्योंकि हम सब अपने परिवारों के माध्यम से समाज में इधर उधर देखते हैं, तो जो मातृत्व है, जो मातृशक्ति का ईश्वरीय सबसे बड़ा वरदान है, जो ईश्वर से मिला है, कि जब वो मातृत्व के अनुभूति से जुड़ती है महिला, तो ईश्वर की सबसे बड़े वरदान की अनुभूति से जुड़ती है, लेकिन साथ साथ एक सबसे बड़ी चुनौती की जो उसका लक्ष्य है, जो उसकी अपनी यात्रा है, उसमें वो मातृत्व उसको बाधा जैसा दिखाई पड़ता है। और जब ये सर्वेस हुए, सारी शोध हुए, तो निकल के आया कि महिलाएं आगे बढ़ के इसलिए नहीं बहुत सारी परिस्थितियों में आ पाती, क्योंकि मातृत्व जो उनका सबसे बड़ा ईश्वरीय वरदान है, वो उनकी सबसे बड़ी बाधा के रूप में उनके सामने खड़ा होता है। तो इतनी संवेदनशील व्यवस्था आज हमारे साथ है कि मातृत्व अवकाश दो गुना और पितृत्व अवकाश के साथ। ये सारे कुछ बातें हमारे साथ हैं और आज नहीं, नालंदा के समय से भारत के लिए विश्वविद्यालय परिसर दिशा निर्देशक रहे हैं, मार्ग निर्देशक रहे हैं और स्थान स्थान पर प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व भेजने वाले रहे हैं। और स्वाभाविक है कि तेजी से बदलते बढ़ते भारत के लिए इन परिसरों के अंदर मातृशक्ति के प्रति जो मानसिकता का बदलाव है, वो बदलाव भी इन्हीं परिसरों के अंदर, क्योंकि मातृशक्ति की मानसिकता तेजी से बदल रही है, तेजी से बढ़ रही है, पर उसी अनुपात में पुरुषों की मानसिकता में भी बदलाव आज आवश्यक है। उनके अंदर ग्राह्यता मातृशक्ति के इस मानसिक बदलाव की बन पा रही है कि नहीं बन पा रही, सामाजिक संतुलन, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्धन में एक सबसे बड़ी आवश्यक आहर्ता है, आधारभूत आहर्ता है। तो महिलाएं अपग्रेड हो रही हैं, मानसिक रूप से सशक्त हो रही हैं, अपने दायित्वों को और अपने अधिकारों को, दोनों को समझने की ओर तत्पर हो रही हैं। तो बराबर की भूमिका में पुरुषों में भी, उनकी मानसिकता में भी ये दोनों चीजें समान प्रकार से आगे बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही, आज ये परिसर इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। हमारे परिवारों से तो ये संस्कार जाना ही है कि बेटे और बेटियों को हम बराबर की मानसिकता में पालें, लेकिन हम सब जानते हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति बहुत परिष्कृत और विश्व के सबसे आगे ऐसी संस्कृति रही है, इसलिए ये संदेश, क्योंकि हमने कई, जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, ऐसे कई देशों से पहले अपने यहाँ मातृशक्ति को वोट देने का अधिकार दे दिया था। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में महिलाएं अभी भी संघर्ष कर रही हैं। हमारे यहाँ वो है क्योंकि हमारे यहाँ नैसर्गिक रूप से हम अर्ध नारीश्वर स्वरूप में अपने ईश्वर को पूजते हैं। हमारे यहाँ नैसर्गिक रूप
से हमारी मानसिकता में बराबर का स्थान है। कुछ पीछे का कालखंड ऐसा बीता, दूसरी संस्कृतियां हमारे यहाँ घुली मिली और विकृतियां हमारे समाज में आई, उसी के परिणाम स्वरूप हमें ये मिशन चलाने पड़ रहे हैं। अपने को फिर से अपने में लौटना पड़ रहा है, क्योंकि अर्धनारीश्वर की सभ्यता और संस्कार और आराध्य को देखने की संस्कृति वाले देश में ये सब चर्चाएं हो, ये हमारा विडंबना रही हमारे देश के साथ। लेकिन निश्चित रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से और जिस प्रकार से यहाँ राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की सुशासन पीठ ने, अटल सुशासन पीठ ने, और अटल सुशासन पीठ ने ये निर्णय लिया है, तो अटल जी के साथ एक बात जुड़ती है कि अटल जी प्रधानमंत्री एक राजनीतिक दल, एक विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्तित्व ये तो थे ही, पर सौभाग्य इस धरती का वो युग दृष्टा भी थे, और युग दृष्टा होने के साथ वो प्रधानमंत्री बने। इसलिए उन्होंने जो आधार रखे उस समय, जब उन्होंने प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि गांव के गलियारे, पगडंडी और गांव की पहचान में उड़ती हुई धूल, गीली मिट्टी, इसके बजाय पक्की सड़क भी हो सकती है, पक्की सड़कों को भी गांव का कह सकते हैं, वो गांव हो सकते हैं। वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और उसको लिंक करती हुई जो चतुर्भुज योजना, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के नौनिहाल जाड़ा गर्मी बरसात दौड़ते हुए नंगे पांव दूर तक स्कूलों में जाएं तो सर्व शिक्षा अभियान, तब जाके आज कायाकल्प अभियान आया है, परिसर दिए तब कायाकल्प अभियान आया है। और उन्होंने कहा कि क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके गरल में विष हो। तो हमारे वैज्ञानिकों ने तपस्या करके भारत को जिस तकनीक से लैस होना था, उस परीक्षण के लिए पोखरण तैयार था, लेकिन जिस इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी और जिस नियत और प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी, वो अटल जी की जैसे व्यक्तित्व की उंगलियों के पास ही थी, तब पोखरण विस्फोट हुआ। तो निश्चित रूप से आज जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हमारे परिसर समाज के साथ घुल मिल रहे हैं, इनकी आवश्यकता महसूस की जा रही है और इसका एक रोड मैप तैयार हो रहा है तमाम प्रकार से, और अटल जी के जन्मदिन पर व्याख्यान माला चल रही है, तो इस समय इस व्याख्यान माला और इस चिंतन के माध्यम से कैसे ये मानसिकता का संतुलन समाज के अंदर आएगा, निश्चित रूप से इस व्याख्यान माला के माध्यम से एक विचार, एक सोच, एक दिशा मैं आपके मस्तिष्क में डालने का प्रयास कर रही हूं। अपने अपने स्थान पर ये सोच, इसके व्यवहारिक स्वरूप अपने अपने स्थान की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग होंगे, लेकिन ये न्याय और ये न्याय हमें समाज में देना ही है, ये अगर सोच आ जाएगी तो निश्चित रूप से और इन्हीं परिसरों में व्यवस्थित प्रकार से आ जाएगी, तो हर परिसर अपने परिवेश के अनुसार अपने यहाँ की व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाकर अपने यहाँ की छात्राओं के अंदर वो आत्मविश्वास, और जो छात्र हैं उस आत्मविश्वास की स्वीकार्यता उन छात्रों के अंदर, तो जो समाज में संतुलन की हम अपेक्षा करते हैं, इन परिसरों से जब संदेश जाएगा तो वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी जिस
मिशन शक्ति को लेकर मात्र शक्ति के अंदर विश्वास और उनकी सशक्तिकरण के माध्यम से भारत सशक्त होगा। माने 80 करोड़ राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा गारंटी के अंतर्गत माने प्रधानमंत्री जी जब देंगे तो वो घर की महिला के नाम से ही देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में जब घर देंगे तो महिला के नाम से ही देंगे, और जब धुएं से मुक्ति और फेफड़ों में उसके संक्रमण से मुक्ति की बात करेंगे उज्ज्वला की, तो देश के 10 करोड़ से ज्यादा बहनों माताओं के अंदर, और वो उज्ज्वला भी जब देंगे, और ये सारी वातावरण वायुमंडल भारत का ऐसे बनेगा, और भारत और परिसरों के संतुलन की बात जब होगी तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा भविष्य हम इन परिसरों के माध्यम से आप सबके जो मैंने पहले कहा कि ये परिसर ही भारत के हमेशा नीति नियंता रहे हैं, दृष्टा रहे हैं, मार्ग निर्देशक रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला समय सम्मान्य प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार और जैसा श्रद्धेय अटल जी ने स्वप्न देखा था और जो रोड मैप भारत के लिए बना करके जय किसान जय जवान जय विज्ञान और जैसे प्रधानमंत्री जी ने अनुसंधान जोड़ा है, तो ये अनुसंधान नए नए करके जोड़ते हुए हम उन अपेक्षाओं पर खरे उतर पाएंगे। आपने अपनी इस सार्थक व्याख्यान माला के साथ मुझे भी जोड़ा, अपने परिसर से जोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का समय बदल गया है, हमारी विचारधारा में भी परिवर्तन आ चुका है, फिर भी अगर किसी कोने में कुछ बाकी रह गया है तो आपके इस उद्बोधन से, आपके सार्थक एवं सकारात्मक विचार से हमारे अंदर अवश्य परिवर्तन आएगा। मैं बस इतना कहूंगा कि मुख्य अतिथि ऐसे कहां सबको है उपलब्ध, मुख्य अतिथि ऐसे कहां सबको है उपलब्ध, मुदित हुई सारी फिजा, बदल गया प्रारब्ध, बदल गया प्रारब्ध। आज के इस व्याख्यान माला में इस अवसर पर मैं आपका सम्मान करने का अवसर हमें मिला है। मैं माननीय कुलपति जी से निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि को अंग वस्त्रम एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित करें। नेता मिश्रा जी सहयोग करें। संयोजक महोदय से आग्रह है कि मुख्य अतिथि को स्मृत स्वरूप सर्व समावेशी सांस्कृतिक कुंभ पुरस्कार भेंट करें।
प्रेरणा दी। सुशासन पीठ के निदेशक प्रोफेसर पांडे जी, हमारे निदेशक प्रोफेसर जी शुक्ला जी, प्रोफेसर पीके दुबे जी, रजिस्ट्रार प्रणव कुमार गुप्ता जी, निदेशक सत्यपाल जी, हम सभी आचार्यगण उपाचार्यगण एवं जैसा दिखाई दे रही काफी संख्या में इधर माता शक्ति इस अंतिम व्याख्यान की इस श्रृंखला में मैं आप सभी को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जैसा सोचा गया था कि क्या चीज निकल करके आनी चाहिए इस मिशन के माध्यम से, इस व्याख्यान माला के माध्यम से, वह आपके सामने है। आज की मुख्य अतिथि का जो व्याख्यान है निश्चित रूप से एक दिशा बोध है, एक बात है, और आपने नालंदा से लेकर के वर्तमान पर भेज कर पॉलिसी का संदर्भ लेते हुए विश्वविद्यालयों के को एक दिशा बोध दिया है, और वो दिशा बोध है कि हमारी जिम्मेदारी हमारी जवाबदेही इस परिसर के चार दीवारी के अंदर ही नहीं है। इस परिसर के अंदर ही तो हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं, इस परिसर के बाहर एक विराट समाज बनता है, उस विराट समाज की बहुत सारी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं आपसे, और यदि आप उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो इस कैंपस का कोई मतलब नहीं है। हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही उस विराट समाज के प्रति है जो तो प्रकारांतर से विभिन्न समस्याओं से विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है। व्याख्यान में इसमें बोला कि केवल विजन रखना पर्याप्त नहीं है, केवल विजन रखना ड्रीम देखना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, विजन होना चाहिए, बिना विजन के कोई मिशन नहीं बनेगा, और केवल मिशन ही नहीं बल्कि एक्शन भी, तो विजन मिशन और एक्शन तीनों पक्षों पर यह सरकार यह शासन कार्य कर रहा है, और आपने एक एक बिंदु को उठाया कि हमारा विजन क्या रहा है और हमारा मिशन क्या है और उस पर एक्शन क्या ले रहे हैं, एक एक चीज को बारीकियों से इन्होंने, चाहे वो मातृत्व अवकाश हुआ, अभी तो पितृत्व अवकाश देखने लगा तब वो भी मिलने लगा, और क्या क्या मातृत्व दिवस महीने की 9 तारीख बहुत सारे लोग याद नहीं होंगे, अभी नहीं आते लेकिन याद है। प्रकारांतर से जो ये एक्शन प्लान चल रहे हैं, एक्शन जो लिए जा रहे हैं केवल इस परिसर के अंदर न रहे, इस हाल के अंदर न रहे, कारांतर से इस परिसर के बाहर भी जाए, हम उसकी चर्चा करें, और इसीलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक उन्नत भारत अभियान लिया है जिसका उद्देश्य है और जिसमें एडवाइस किया है हर IIM IIT राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय को कि अपने परिवेश में 3 से लेकर 5 कदमों को एडॉप्ट करें और वहां की समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करें, हमारे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में क्या बाधाएं आ रही हैं, उस बाधाओं को चिन्हित करें, अभिलक्षित करें, स्तर पर शासन स्तर से उसको उस पर संवाद स्थापित करें और क्या नीतियों में नया जोड़ा जाना चाहिए, क्या परिवर्तन लाना चाहिए, उस उन्नत भारत अभियान के माध्यम से कैंपस जो है कम्युनिटी से जुड़े, क्योंकि जब तक हम कम्युनिटी से नहीं जुड़ेंगे और कम्युनिटी की आवाज नहीं बनेंगे
विश्वविद्यालय डिग्री देने वाले संस्थानों में, सर्टिफिकेट बांटने वाले संस्थानों में समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बने, उसके लिए उन्नत भारत बनाया। आपने देखा एक बारीकी से जो ऐसा सरकार कर रही है, निश्चित रूप से आपको आभास हो गया होगा कि इस सरकार ने केवल नीति ही नहीं बनाया है, नियम ही नहीं बनाया है, उनका यथार्थ के धरातल पर क्रियान्वयन भी किया है। तो जितना कहना उतना करना, और उतना ही कहना जितना करना, ये सारी चीजें को उन्होंने बड़ी बारीकी से हम लोगों के सामने रखा। यह एक दिशा बोध है। आपने कहा कि ये घरौंदे टूट रहे हैं, अभी तक घरौंदे बने हुए थे। यह क्षेत्र जिसे मेडिकल का उदाहरण दिया है उन्हें, और सचमुच वो यथार्थ है, बहुत सारी चीजों को बिगाड़ नहीं जाती है, और इसके लिए दिशा बोध दिया जाता है। यह मेडिकल का क्षेत्र है, यह इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, यहाँ जा सकती है, यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ नहीं जा सकती, और कैसे एक नलकूप चालक जैसे पदों पर भी किस प्रकार से कल्पना का नाम आपने लिया, कल्पना का ही नाम लिया था। ये एक यूनिक एग्जाम्पल है, और यह संवेदनशीलता की परिणता परिणति वास्तविक धरातल पर है। तो आपने एक एक चीज, मेरा तो स्पष्ट मत है कि जिस परिवार में महिला का सम्मान नहीं होगा, समाज में महिला का सम्मान नहीं होगा, वो उजड़ जाएगा। मेरा अटूट विश्वास है इसमें। आप सोचिए जीवन में आपको क्या चाहिए, जीवन में आदमी को कुछ भी पाना है तो महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको पाना क्या है, जीवन में आपको ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान के लिए आराधना किसके करेंगे, सरस्वती जी करना है। आपको धन पाना है, धन चाहिए, चाहे आपको ज्ञान पाना हो, चाहे आपको शक्ति पानी हो, चाहे आपको धन पाना हो, और किसी के पास कुछ है नहीं, सब हवा में है, सब हवा में है, जो है सब इन्हीं के पास है। इसलिए यदि आपको आगे बढ़ना है, इस समाज को अपनी दिशा में ले जाना है, सही दिशा में ले जाना है, वांछित दिशा में ले जाना है, तो इसका कोई विकल्प नहीं है। और इसका हम अपने घर के परिवारों से सुना, इतना सुंदर व्याख्यान जिसमें विजन, मिशन और एक्शन, मैं बार बार इन शब्दों को दोहराता रहा हूं और आज भी दोहरा रहा हूं, इस व्याख्यान में दिखाई दिया कि तीनों चीजों पर बराबर ध्यान जो है और चलता रहा। श्रीमती निर्मला जी, मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि यह विश्वविद्यालय कमेटी के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, और यह सत्य है हम लोगों ने यहाँ तक किया कि जिन गाँव को अडॉप्ट किया, उनकी जो भी लड़कियाँ पढ़ गई चाहे उनके लिए शुल्क मुक्ति, उनके लिए व्यवस्था किया। और यह विश्वविद्यालय इसके प्रति बहुत ही सतर्क और सचेत है, हम बहुत आभारी हैं कि ऐसा विद्वतापूर्ण पाठे आज आप सभी को प्राप्त होगा। और देखिए व्याख्यान असली वही है जो व्यक्ति को कुछ विजन दे सके, कुछ व्यक्ति को मिशन निर्धारित करने के लिए बाध्य करे, और व्यक्ति उस पर कुछ एक्शन प्लान बनाए। बट डू किसी व्याख्यान का लक्ष्य भी यही है, क्योंकि जब ये तीनों चीजें आती हैं तभी एक अन्वेषण की प्रवृत्ति जो है व्यक्ति के अंतर्गत आती है। यह शोध संस्थाओं के लिए भी, अनुसंधान दात्री संस्थाओं के लिए भी एक दिशा बोध कराती है कि ये रिसर्च के एजेंडे हैं और इनके कारण से हमें चाहिए कैसे ये काम कर रहे हैं।
आपको बहुत सारी चीजें आज के व्याख्यान से मिली हैं। आज के युग में किसी की कोई अंतर नहीं है बेटा बेटी और उसमें बेटाओं में। हम तो बार बार कहते हैं कि बेटी हो जब इंदिरा जैसी तब बेटा की जहां कैसे, मैं बार बार कहता हूँ कितना स्थान मिल रहा है, कितनी अपॉर्चुनिटीज है। शायद कभी ऐसा युग नहीं आया, एक नया एक स्वर्णिम युग आ रहा है महिलाओं के लिए। मैं इतना अच्छा दिशा बोध देने वाला एक व्याख्यान सहभागी बना और जिस लक्ष्य को लेकर के अटल सुशासन पीठ की स्थापना हुई है उन लक्ष्यों को पूरा करते हुए दिखाई दे रही है। यह तो इस व्याख्यान वाले का समापन नहीं बल्कि अभी ये शुरुआत है, क्योंकि जब दिशा मिल जाती है तो शुरुआत होती है। आज इस दिशा बोध के इस व्याख्यान से आज एक नई शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत करने के लिए आज की मुख्य अतिथि मैं आभार ज्ञापन करता हूँ, आभारी हूँ। और विश्वास विश्वविद्यालय आपसे आश्वासन चाहता है कि आगे भी आपका बात है इस विश्वविद्यालय को मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। सर अपने उद्बोधन से आप हम सबको अभिसंचित करने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि सर आए आप अतिथियों को एवं सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करें। इसी संप्रदाय को हमारी
हमारी सरकार ने, हमारे समाज ने, हमारे विश्वविद्यालयों ने अपना कर जो बीच के काल में जो कहीं पर इसमें ह्रास हुआ था, स्खलन हुआ था, उसमें उस दिशा में हम लोग अब आगे बढ़ने लगे हैं। आपने यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई बहुत सारी योजनाओं का, बहुत सारी चीजों का जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से हम लोगों ने चाहे पंचायत राज में हो, चाहे पुलिस भर्ती में हो, चाहे सेना में हो, सुरक्षा में हो, सब जगह महिलाओं ने एक नई दिशा प्राप्त की है, नया स्थान प्राप्त किया है। साथ साथ मैं आपका आभार इसलिए व्यक्त करना चाहूंगा, वो हम लोगों को एक मार्गदर्शन, एक अपेक्षा के लिए कि आपने शिक्षा संस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपेक्षा की है, आपने भार डाला है, आपने एक दायित्व सौंपा है कि आज स्त्रियों ने तो अपने मन को बना लिया है, मगर क्या समाज अपने मन को बना पाया है उस शक्ति को ग्राह करने का। यह आपका विशेष आग्रह था कि क्या ये जो समाज है जिसको हम बेसिकली पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में से आपने अपेक्षा की है जस्ट टू चेंज द मेंटल कैनवास ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलर मैट्रियार्कल सोसाइटी, तो इन पुरुषों में क्या उसी मानसिकता का ग्राह्यता आई है और इसके लिए उन उच्च शिक्षा संस्थाओं से आपने अपेक्षा की है कि इसके संदर्भ में हम जागरूकता अभियान चलाएं और बहुत सारी बातें करें। मैं इन सब चीजों के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आश्वासन दिलाता हूं कि हम अपने माननीय कुलपति जी के निर्देशन में इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चलाएं ताकि सोसाइटी, समाज और जो कैंपस का है, हमारे परिवेश परिषद का है, एक संवाद चलता रहे, उसमें हम लोग जमे। मैं सब चीज के लिए आपका पूरा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करने की अगली कड़ी में मैं अपने कुल प्रधान प्रोफेसर केन सिंह सर का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये जो जितने भी कार्यक्रम हुए हैं आप ही की प्रेरणा से, आप ही के मार्गदर्शन से, आप ही के विजन से हुए हैं। काम तो सब लोग करते हैं, हम लोग सब कर रहे हैं, मगर आपका विशेष विजन रहा है, आपकी विशेष जागरूकता रही है। आपने जब कभी भी कोई कार्यक्रम होता है तो स्वयं जाकर बहुत ही पर्टिकुलर इन टेकिंग ऑल दिस स्टेप्स, किस तरह से कहोगे, क्या हुआ, किससे मिले, क्या हुआ, वो एक रिपोर्ट भी लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग के मन में भी एक बात रहती कि नहीं, हमको करना है, बहुत अच्छी तरह से करना है। मैं इस सभी संदर्भों में क्या कहें, आप तो आपको आपका विशेष आभार है, क्योंकि पूरे यहाँ पर जो भी चीजें संचालित होती है वो आप ही के केंद्र बिंदु में। आभार इस क्रम में मैं पटल सुशासन पीठ के संयोजक प्रोफेसर पी के पांडे जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसमें डॉक्टर दिनेश सिंह जी हैं, सुरेंद्र जी जो संचालन कर रहे थे, सुरेंद्र कुमार जी हैं, इन सभी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन उस माननीय कुलपति जी के मार्गदर्शन से, आपके द्वारा आपने जिस तरह से चीजों को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से चीजों का आप चयन किया और पूरी सुचारू रूप से जो व्यवस्था का किया, और जिसको आपने मैं तो कहता हूँ कोविड काल के बाद पहला ही ऐसा कार्यक्रम हो रहा है कि जहाँ पर हम वर्चुअल और नॉन वर्चुअल दोनों मोड में हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो एक नई ऊर्जा आई है कि हमारे जो वर्चुअल वाले लोग हैं वो तो लाभान्वित हो रहे हैं, ताकि तक जो हम लोग एक प्रत्यक्ष फेस टू फेस हमसे जो जुड़ रहे हैं उनसे भी है। मैं यहाँ के सभी निदेशकों का, आचार्यों का, उपाचार्यों का, सहाचार्यों का और सभी शिक्षकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अपने उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई और समय समय पर हमको बहुत सारे सुझाव भी दिए। मैं यहाँ भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का, सहकर्मियों का, मीडिया कर्मियों का और सभी शिक्षकतर कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उस टीम का, कि उन्होंने बहुत सजगता से पूरे 8 दिन तक इस कार्यक्रम को चलाने में हमारा सहयोग प्रदान किया।
मैं वर्चुअल रूप से जुड़े हुए की सभी सहभागियों का, प्रतिभागियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, सभी मीडिया पर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ, बना मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सचिव महोदय को भी हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए हम सब स्थान पर जनगण अधिनायक जय रे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।